हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह का हैवी पोशाक बनाना चाहते हो? बहुत ही कम खर्च में मैंने बनाया है फ्रेंड्स। नहीं बुकरम भी डाला नहीं है, नहीं अस्तर डाला है, फिर भी बहुत ही प्यारा ड्रेस मैंने बनाया है फ्रेंड्स। ये ड्रेस मैंने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी का बनाया है फ्रेंड्स, और इसको इस तरह से मैंने नेफा बनाया है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह का इसका लुक आता है फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तो इसको हम 6, 7 और 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आसानी से पहना सकते हैं। अगर 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी हो तो इसको हम इस तरह से खींच कर पहनाएंगे, और 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी है तो इस तरह से ही पहनाएंगे। तो ये कमर का नाप आ जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही कम खर्च में मैंने ये हेवी पोशाक बनाया है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे डायमंड वेलवेट का कपड़ा और ये लेस का यूज़ किया है फ्रेंड्स, और इतना प्यारा ड्रेस बनाया है। देखिए, इतनी प्यारी सी मैंने कैप भी बनाई है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस हम पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना ये ड्रेस कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है और यहाँ पे मैंने लेस ली है। इनकी मदद से हम हैवी पोशाक बनाएंगे फ्रेंड्स। इसमें मैं हुकरम का यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ वेलवेट का ही यूज़ करके बनाऊँगी फ्रेंड्स, और इनके साथ हम लगाएंगे डायमंड इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलवेट का कपड़ा मुलायम होता है फ्रेंड्स। इसकी लंबाई है 47 इंचेस और चौड़ाई इसकी 3.5 इंचेस है। अब हम यहाँ पे लेस को टीच करके अटैच कर देंगे। तो देखिए, ये हमारी टीच हो गई। अब हम दोनों किनारों को डबल फोल्ड करके टीच कर लेंगे। तो देखिए, ये दोनों टीच हो गई। अब हम यहाँ पे इस तरह से नज़दीक नज़दीक छोटे छोटे प्लेट्स लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा लेस टेढ़ा मेढ़ा ना दिखाई दे, इसी तरह से हमें प्लेट्स लेने हैं, और प्लेट्स हमें लड्डू गोपाल जी के कमर के हिसाब से लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे प्लेट हो गई। तो इसकी लंबाई है 5 इंचेस। यहाँ पे मैंने एक पार्ट लिया है, इसकी लंबाई है 8.5 इंचेस और चौड़ाई इसकी 3 इंचेस। ये पार्ट हम कमर पर टीच करके अटैच कर देंगे। अब हम इसको धोरी लगाएंगे। यहाँ पे हम नेफा बनाएंगे, इसको डबल फोल्ड करके टीच कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी टीच हो गई। तो ये हमारा घेरा बन के रेडी है। यहाँ पे मैंने दूसरा पार्ट लिया है, इसकी लंबाई है 10 इंचेस और चौड़ाई इसकी 2 इंचेस है। इसको सिंगल फोल्ड करके यहाँ पे हम टीच करके लेस को अटैच कर देंगे। अब हम इसको आधा करके बीच में से कट कर लेंगे, और वेलवेट का भाग हम अंदर की तरफ रखेंगे और लेस को बाहर की तरफ रख कर यहाँ पे टीच कर लेंगे। ये मैंने 2 इंच इस पर टीच किया है फ्रेंड्स। अब दोनों किनारों को हम टीच कर लेंगे। अब हम घेरे को आधा करके बीच में इसको टीच करके अटैच कर देंगे। यहाँ पे एक पार्ट लिया है, इसकी लंबाई 5.5 इंच और चौड़ाई इसकी 3 इंच। इसकी हम बनाएंगे कैप। अब हम इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड 1/2 इंच मार्क करके हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ये मैंने 1.5 इंच तक राउंड शेप दिया है फ्रेंड्स लंबाई इसकी। अब हम इसको टीच कर लेंगे और एक्स्ट्रा काट के इसको पलटा लेंगे। है ना इजी तरीका, बन गई हमारी कैप। अब हम ड्रेस और कैप में दोनों में
डायमंड्स लगाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास सिल्वर और गोल्डन दोनों डायमंड्स है, बाजार में हमें हर एक रंगों में मिल जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फेविकॉल लिया है, तो इनकी मदद से हम ये डायमंड्स इस घेरे पे लगाएंगे। तो पहले इस तरह से बांध देंगे ताकि हमारे सारे प्लेट्स खुल जाए। अब हम यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे और इनके ऊपर हम ये डायमंड्स लगाएंगे। मैं मोमबत्ती से डायमंड्स लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम पूरी ड्रेस में इस तरह से डायमंड्स लगाएंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारा ड्रेस हैवी लुक में आ जाए और लगता भी बहुत ही प्यारा सा है फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें पूरे ड्रेस में मैंने लगा दिया है। मैंने कैप में भी लगाया, अब हम चोली में लगाएंगे। आप अपने हिसाब से जैसा लगाना चाहते हो वैसा लगा सकते हो। आप भी ज़रूर अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह का ड्रेस बनाना। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे ड्रेस और कैप में डायमंड्स लगा दिए हैं, अब हम इसको अच्छी तरह से सूखने देंगे। देखिए फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।